फाइंड स्क्वेयर रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है नंबर वो 3 है। अब हमें इसका स्क्वेयर रूट फाइंड करेंगे। सब ये जो होता है इसको हम 3 को इसको इस ना फॉर्म में लिखेंगे अंडर रूट 3। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैटर्न बनाएंगे। ये हमारे पास 3 है, ठीक है। तो अब हमारे पास जस्ट एक ही नंबर है, तो आपने यहाँ पे जो नंबर लिखना है वही नंबर यहाँ लिखेंगे। तो अगर हम इसको 1 लिखते हैं तो 1 टाइम 1 इज़ 1 होता है, ठीक है। अगर हम 2 लिख देते हैं तो 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 इससे बड़ा है इसलिए नहीं लिख सकते, तो हमें 1 लिखना पड़ेगा। तो 1 टाइम जो नंबर यहाँ लिखा वो उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आता है, तो इसलिए 1 लिख दिया। और उसके बाद हमारे पास इसको टेक अवे करेंगे तो 3 टेक अवे 1 इज़ 2 हो जाएगा। अब इसके पास कोई नंबर नहीं है तो हमने यहाँ डेसिमल लगाना है, इधर भी और इधर भी डेसिमल लगाएंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे 2 नंबर लिखेंगे और वो 0 होंगे। इसके अलावा बिल्कुल नहीं, हम कोई और नंबर लिख सकते हैं और हमेशा 2 0 ही लिखते हैं, मतलब कि अगर यहाँ पे कोई और नंबर नहीं है तो इसलिए 2 0 लिख दिया। अब ये दोनों 0 को इसके साथ इधर लिख देंगे। उसके बाद होगा कि ये 1 है और इसका हमें डबल लेंगे, तो 1 का डबल जो होता है वो 2 होता है, इसलिए 2 आ जाएगा और साथ डेसिमल, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल था। अब हमने तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसी भी नंबर के साथ, 2 यहाँ, ये जो 2 है इसको मैंने यहाँ लिखा और इसको मल्टीप्लाई सपोज मैं करती हूँ 3 से करके देखती हूँ, जो नंबर यहाँ लिखना है वही यहाँ लिखा और इसको मल्टीप्लाई किया, तो 3 टाइम 3 जो होता है वो 9 होता है एंड 3 टाइम 2 जो होता है वो 6 होता है। देखिए ये काफ़ी नंबर छोटा है इससे, तो इसलिए हम बड़ा नंबर को चूज़ करके देखेंगे। जैसे हमारे पास है 7 से करके, सॉरी 7 इधर लिखेंगे और 7 ही हम यहाँ लिखेंगे। ये दोनों को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो होता है वो 49 होता है, इसलिए 9 इधर हो जाएगा, 4 इधर, 7 टाइम 2 14 होता है और उसमें 4 ऐड किया तो हमारे पास 18 आ जाएगा। देखिए इसके क्लोजेस्ट है, लेकिन हम मज़ीद आगे देखेंगे 8 के साथ करके चेक कर लेते हैं। 8 इधर लिखा है टाइम्स बाई 8, तो 8 टाइम्स 8 होता है वो 64 होता है, तो 4 इधर और 6 इधर हो जाएगा, 8 टाइम 2 16 होता है और उसमें 6 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 22। अभी देखें ये जो नंबर है इससे बड़ा है इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, 224 जो होता है वो बड़ा था, तो ये नंबर ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे 7 लिखेंगे और इधर भी 7 लिखेंगे पहले। और अब जो आया था नंबर वो था 189 है, तो आपने डेसिमल के नीचे डेसिमल ही लिखना है, 1 इधर लिख देंगे और 8 और 9 इस तरह लिखेंगे, ठीक है। और डेसिमल की पोजीशन नहीं चेंज करनी इसमें आपने। अब ये 0 देखिए नहीं हो सकता 9 से, तो हम इसको बिग करने के लिए यहाँ से हम इसको 1 नंबर देंगे और ये हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 10 और इधर से फिर दिया तो इसको सिंपल जैसे टेक अवे करते हैं वैसे ही करेंगे, तो ये 9 हो जाएगा। तो 10 टेक अवे 9 इज़ 1 हो जाएगा और 9 टेक अवे 8 इज़ 1 हो जाएगा और फिर डेसिमल आ जाएगा और फिर 1 टेक अवे 1 इज़ 0। यहाँ तक करने के बाद अब हमने करना है कि ये जो 1.7 है इसका हमने डबल लेंगे, ठीक है। तो 1.7 और 1.7 है इसको हमने ऐसे लिखेंगे और विद डेसिमल के साथ और उसको ऐड कर देंगे, तो 7 और 7 जो होता है 14 होता है, इसलिए डेसिमल अपनी जगह पे आएगा और 1 इधर चला गया, 1 और 1 2 और उसमें ये 1 ऐड किया तो 3, इसका मतलब ये 3.4 हमने पहले यहाँ लिख दिया। उसके बाद इसको क्योंकि हमें 3 डेसिमल तक सॉल्व करना था इसलिए फिर 2 0 लगाएंगे और ये 0 जो है वो अब नीचे आ जाएंगे इसके साथ ही, तो यहाँ पे 2 0 हमने लगा दिए, ठीक है। अब हमने ये जो 3.4 है इसको हमने लिखेंगे यहाँ पे 3.4 है, आप बेशक डेसिमल ना भी इधर लगाएं कोई मसला नहीं है, तो आप जस्ट 3.4 लिख लें यहाँ पे और इसको भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ उसको, तो 2 टाइम्स 2 जो होता है वो 4 होता है और 4 टाइम 2 इज़ 8 एंड 3 टाइम 2 इज़ 6। इधर याद रखें कि दोनों सेम नंबर होने चाहिए। अब देखिए काफ़ी लेस है इससे, तो इसको हम 3 से चेक कर लेते हैं, यानी कि 3 इधर और 3 इधर लगाया मैंने। अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 9 3 टाइम 3 इज़ 9 4 टाइम 3 इज़ 12 1 इधर हो जाएगा 3 टाइम 3 इज़ 9 और 1 उसमें ऐड किया तो 10। ये देखिए इसके क्लोजेस्ट जा रहा है अभी, लेकिन हम इसको 4 से भी चेक कर लेते हैं, 3 4 4 और 4 तो 4 टाइम 4 इज़ 16 1 4 टाइम 4 16 और 1 17 फिर 1 हो जाएगा 4 टाइम 3 इज़ 12 और उसमें इसमें ऐड किया तो 13। लेकिन देखिए ये नंबर इससे बिग हो गया तो इसको नहीं लेंगे हम 3 वाला, तो हमने यहाँ पे 3 लिखेंगे सबसे पहले और इधर भी 3 लिखेंगे। अब ये जो नंबर था हमेशा यूनिट से स्टार्ट करना है, यहाँ से 9 पहले 9 आ जाएगा फिर 2 था 0 1 और फिर डेसिमल अपनी पोजीशन पे ही रहेगा और 0। अब इसको सॉल्व किया तो आपको पता है कि 0 टेक अवे 9 नहीं हो सकता, तो इसको हमने 1 बोरो किया यहाँ से, तो यहाँ हमारे पास 0 रह गया और ये 1 इधर चला गया, ये हो गया 10 और ये 9 हो जाएगा और फिर ये 1 10 टेक अवे 9 इज़ 1 और ये 9 था, 9 टेक अवे 2 जो किया तो 7 हो गया और फिर उसके बाद 0 रह गया यहाँ से, 0 टेक अवे 0 इज़ 0 देन 1 टेक अवे 1 इज़ अगेन 0 और उसके बाद डेसिमल साइन है और 0। आप इसको बेशक ये साइन डेसिमल के ज़रूर लगाएं साथ साथ, ताकि आपको पता चले कि आप यानी कि टेक अवे का साइन लगाने से आपको पता चलेगा कि आप टेक अवे कर रहे हैं। अभी क्योंकि 3 डेसिमल था अब ये 2 डेसिमल हो गए हैं, अभी हमने मज़ीद करना है तो इसको 1.73 को हम दोबारा से यहाँ पर 1.73 उसको 1.73 के साथ ही ऐड करेंगे,
ठीक है, ऐड करने के लिए हमें ऊपर वाला नंबर ही चाहिए होता है हमेशा। तो थ्री एड थ्री हमने किया तो सिक्स हो जाएगा, और सेवन और सेवन जो था 14 होता है, फिर डेसिमल लगा दिया वन, और वन एड वन इज टू, और वन थ्री, 3.46 आ गया। तो इसको हमने 3.46 इधर लगा दिया। अब अगेन हमने यहाँ पे दो ज़ीरो फिर से लगाएंगे, और ये दो ज़ीरो जो है वो हमने इधर नीचे ले जाने हैं इस साइड पर। तो ये ज़ीरो और ज़ीरो लगा दिया। अब हमने ये जो नंबर है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3, 4, 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, 2 इधर लिख दिया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 times 2 is 4, 6 times 2 is 12, 1 हो जाएगा, 4 times 2 is 8 और 1 होता है 9, और 3 times 2 is 6 हो गया। और ये इसके क्लोजेस्ट है देखें, लेकिन फिर भी हम 3 से भी चेक करके देख लेते हैं इसी को। 3 लिखेंगे क्योंकि सेम नंबर लिखना है, टाइम्स बाय 3। ये पहले उसके बाद जब मल्टीप्लाई किया तो 3 times 3 is 9 हो जाएगा, 6 times 3 is 18 और 1 आ जाएगा, 4 times 3 is 12 और 1 उसमें ऐड किया तो 13, फिर 1 इधर लिख दिया, 3 times 3 is 9 और 1 किया तो इसमें 10। देखिए ये बहुत बड़ा है इस नंबर से, तो इसलिए हमें इसको नहीं चाहिए, हमें ये नंबर ठीक है। और कैसे पता चलता है, ये देखें ना, ये 4 नंबर्स है, 1, 2, 3, 4, तो ये देखें 1, 2, 3, 4, इसका नंबर जो लास्ट है वो 7 है और इसका 6 है, ये क्लोजेस्ट नंबर है। तो 2 है तो हम यहाँ पर भी 2 लगा देंगे और इधर भी 2 लगाएंगे। अब ये जो नंबर था यहाँ 4 से स्टार्ट करेंगे हमेशा, 4, 2, 9, 6 और बाकी 0, 0.0 और फिर उसके बाद डेसिमल लगाने के बाद उसके बाद टेक अवे साइन किया। अब हम टेक अवे करेंगे तो इसको बिग नंबर करने के लिए यहाँ से 0 हो जाएगा और ये चला गया यहाँ से 10, और फिर अगेन देखें ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो गया, 10 टेक अवे 4 किया तो आंसर हमारे पास 6 आता है। ये 9 था, 9 टेक अवे 2 किया 7, और यहाँ पे 0 था इसलिए इधर से एक नंबर लेंगे ताकि ये 10 बन सके और ये 6 हो जाएगा। 10 टेक अवे 9 किया तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और 6 टेक अवे 6 इज 0, देन 0, 0. उसके बाद 0, उसके बाद क्योंकि हमें सिर्फ 3 डेसिमल प्लेस चाहिए था, ये हमने 3 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व कर लिया है तो ये काफ़ी है, तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है क्योंकि ये अब फर्दर और भी सॉल्व हो सकता है, तो हम इसके लिए इक्वल का साइन नहीं बल्कि ये इक्वल के ऊपर हमें कैसे लगाएंगे, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट है, इनके एग्जैक्ट आंसर इक्वल नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास जो था वो 1.732। ये साइन लगाना बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर, अदरवाइज ये आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि ये नॉट इक्वल यानी कि इसका मतलब ये है कि नियरली इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है।